नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हम अपादान कारक के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम अपादान कारक प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो अगला नियम है, नियम नंबर 6, वो क्या कहता है? तो हेडिंग डालिए जो नियम नंबर 6 है, अपादान कारक पंचमे विभक्ति का जनि कर्तु प्रकृति। नियम नंबर 6 कौन सा है? जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग और कहां पर किया जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग और कहां पर किया जाता है। लिखिए इसका अर्थ सबसे पहले, यदि किसी वाक्य में जन धातु और जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना। जन धातु का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होना। जन धातु का प्रयोग हो रहा है, यदि किसी वाक्य में जल धातु का क्या हुआ है, प्रयोग हो रहा है, और जल धातु का क्या होता है, उत्पन्न होना। तो यदि किसी वाक्य में जल धातु में उत्पन्न होने का जो अर्थ होता है, जल धातु का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, उसका प्रयोग हो रहा है, तो उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है, तथा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जनि कर्तु प्रकृति नियम नंबर 6 अपादान कारक का, उसका अर्थ मैंने आपको दिखाया कि यदि किसी वाक्य में जन धातु का प्रयोग हो रहा है, और जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जन धातु का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना या पैदा होना। तो यदि किसी वाक्य में जन धातु का प्रयोग हो रहा है तो उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है। तो वाक्य में जो जन धातु का प्रयोग होता है और जन धातु का उत्पन्न होना होता है, तो उत्पत्ति स्थल का मतलब होता है जहां से कोई वस्तु या कोई पदार्थ क्या होता है, उत्पन्न होता है, या उत्पत्ति जहां से उसकी होती है, उस उत्पत्ति स्थल की हमको इस सूत्र से क्या करनी है, अपादान संज्ञा करनी है। और जब अपादान संज्ञा हो जाएगी सूत्र से, तो अपादान पंचमी नियम से उस वाक्य में या उस शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। समझ में आया? तो यदि किसी वाक्य में जल धातु का प्रयोग हो रहा है और जल धातु का होता है उत्पन्न होना, तो उस वाक्य के जो उत्पत्ति स्थल है, कौन सा स्थल, उत्पत्ति स्थल या उत्पन्न होने वाला जो स्थान है, उस स्थान की अपादान संज्ञा जनि कर्तु प्रकृति से होगी और अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? अब देखिए उदाहरण, जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे उदाहरण नंबर 1, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। ये उदाहरण हुआ इसका, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। अब देखिए, अब बिच्छू क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो किससे पैदा हो रहे हैं, गोबर से पैदा हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, गोबर से। समझ में आया? अब देखिए गोबर से बिच्छू पैदा हो रहे हैं, और पैदा होने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, जन धातु का। जन धातु का उत्पन्न होना या पैदा होना,
तो गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं या गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो बिच्छू किससे पैदा होते हैं? गोबर से। किससे होते हैं? गोबर से। तो जल धातु का प्रयोग हुआ है, और जल धातु का जब प्रयोग होता है तो उत्पत्ति जो स्थल है अर्थात बिच्छू पैदा कहाँ से हुए हैं, बिच्छू पैदा होने का जो उत्पत्ति स्थल है, जो उत्पन्न हुए हैं कहाँ से हुए हैं? गोबर से। तो उस उत्पत्ति स्थल की कौन सी संज्ञा करनी है हमको? अपादान संज्ञा करनी है। कौन सी संज्ञा करनी है? अपादान संज्ञा, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब हम इस बात में गोबर की कौन सी संज्ञा कर देंगे? अपादान संज्ञा कर देंगे, और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे हम इसे संस्कृत बनाते हैं तो गोबर को संस्कृत में बोलते हैं गौमया। क्या बोलते हैं? गौमया, अर्थात गाय का विकार गोबर, ठीक है ना। तो गौमया, तो यहाँ पर गौ में आग में जो विभक्ति है कौन सी है? पंचमी। कारण क्या है? क्योंकि इस बात में जल धातु का प्रयोग हुआ है, तो जब किसी बात में जल धातु का प्रयोग होता है तो उस बात के जो उत्पत्ति स्थल है उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस गोबर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो गौ में आग बिच्छू को संस्कृत में बोलते हैं वृश्चिका। क्या बोलते हैं? वृश्चिका। बहुवचन है, बिच्छू बहुत सारे हैं, तो क्या कहेंगे हम? वृश्चिका जायन्ते। जल धातु आत्मनेपदी में क्या बनेगा? जायते, जायते, जायन्ते, अर्थात बहुवचन रूप है, क्योंकि बिच्छू भी बहुवचन है, एक बिच्छू नहीं बहुत सारे हैं, इसलिए कर्ता तो बहुत सारे हैं, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। कर्ता यदि बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। तो गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, तो गौम्याद वृश्चिका जायन्ते। तो यहाँ पर गौम्याद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी। कारण क्या है? धनी कर्तु प्रकृति पाणिनि जी का नियम, वो यही कहता है कि किसी वाक में जल धातु का प्रयोग हुआ है तो जल धातु का प्रयोग होने पर उस वाक के उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। देखिए अगला उदाहरण, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। अब देखिए उत्पन्न होना अर्थात जन धातु का प्रयोग हुआ है, तो क्या उत्पन्न होती है? प्रजा उत्पन्न होती है। अब उत्पन्न कहाँ से होती है? उत्पत्ति स्थल क्या है प्रजा का? ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की अपादान संज्ञा कर देंगे, क्योंकि प्रजा उत्पन्न होने का जो उत्पन्न उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं होते तो प्रजा उत्पन्न होती क्या? नहीं होती। तो इस बात की शब्द क्या करनी है? अपादान संज्ञा, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। क्या लिखेंगे? ब्राह्मण है, ब्राह्मण है प्रजा जायन्ते। जायन्ते यहाँ क्यों आया? क्योंकि प्रजायन्ते लिख सकते हैं हम प्रयोगशब्द पूर्वक जायन्ते, या जायन्ते लिख सकते हैं, बात दोनों ही क्या है सही, क्योंकि प्रजा बहुत सारी है तो क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन की है, ठीक है। तो ब्राह्मण है प्रजा का, प्रजायन्ते। ब्राह्मण से क्या उत्पन्न होती है? प्रजा उत्पन्न होती है। ब्राह्मण है प्रजा का, प्रजायन्ते ब्राह्मण। ब्रह्मा से क्या होती है? प्रजा उत्पन्न होती है। तो ब्रह्मा में यहाँ ब्राह्मण जो बताया वो पंचमी विभक्ति का क्या है? एक वचन। क्या है? पंचमी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तीसरा उदाहरण, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अब देखिए उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। किससे होता है? काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है। किससे होता है? काम वासना से। जब काम वासना की पूर्ति नहीं होती है तो क्या आता है? क्रोध आता है। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने का जो कारण है अर्थात जहां से क्रोध उत्पन्न होता है वो क्या है? काम। क्या है? काम। तो इसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी का, और इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, और इसकी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अपादान संज्ञा किससे होगी? जनी कर्तु प्रकृति से, जिसकी संस्कृत बनाए तो क्या बनेगी? कामा, कामा क्रोधो अभिजायते या जायते,
कामात क्रोधो अभी जायते या जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामात में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण। मुख से अग्नि उत्पन्न होती है, मुख से अग्नि उत्पन्न होती है। चौथा उदाहरण, मुख से अग्नि उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। अब देखिए अग्नि क्या होती है? उत्पन्न, उत्पन्न क्या होती है? अग्नि कहां से होती है? मुख से होती है। तो उत्पत्ति स्थल की क्या करनी है? अपादान से क्या करनी है? मुख्य अपादान संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें कौन सी व्यक्ति होगी? पंचमी। तो क्या बनेगा? मुखा, अर्थात मुख से अग्नि ही अभी जायते, अग्नि अजायत, अजायत भी लिख सकते हैं या जायते। मुखार अग्नि अजायत, अर्थात मुख से क्या उत्पन्न होती है? अग्नि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हमारा नियम नंबर 6 हुआ, जनि कर्तु प्रकृति। ये कहता है कि यदि किसी वाक्य में जन धातु का प्रयोग होता है, तो जन धातु का होता है उत्पन्न होना, तो उस वाक्य में जो जन धातु का प्रयोग हुआ है, उस वाक्य में जन धातु का जो उत्पत्ति स्थल है, जहां से कोई चीज पैदा होती है या उत्पन्न होती है, उस उत्पत्ति स्थल की अपादान संज्ञा होती है जनि कर्तु प्रकृति से, और उसमें अपादान है पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। ठीक है, अब देखिए अगला नियम है नियम नंबर 7। नियम नंबर 7, वर्णार्थानां इच्छितः। अगली घड़ी में आगे नियम नंबर 7, वर्णार्थानां इच्छितः। पंचमी विभक्ति का प्रयोग और कहां पर होता है? नियम नंबर 7, वर्णार्थानां इच्छितः, वर्णार्थानां वर्णार्थानां इप्सिते, अर्थात वर्णार्थ वर्ण अर्थ अनाम इप्सिते, वर्ण अर्थानां इप्सिते, अर्थात वर्ण अर्थ वाली जो धातुएं हैं, वर्ण अर्थ वाली जो धातुएं हैं, तो ऐसे देखिए ये हुआ नियम नंबर 7, वर्णार्थानां इप्सिते है। अब देखिए वारण का मतलब होता है दूर हटाना, वारण का मतलब क्या होता है? दूर हटाना। वारण का अर्थ ये कह रहा है कि वर्णार्थानां इप्सिते है, अर्थात इप्सित अर्थात जहां से दूर हटाया जाता है, दूर हटाना। वारण का मतलब क्या होता है? दूर हटाना। इस वारण का मतलब होता है दूर हटाना, क्या होता है? दूर हटाना। इप्सिते अर्थात दूर हटाने वाली जो धातुएं हैं, उन धातुओं का प्रयोग होने पर, या वर्णार्थ वाली जो धातुएं हैं, उन धातुओं के प्रयोग होने पर इप्सित पदार्थ की, या जहां से दूर हटाया जाता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? आगे की साथ देखिए, वर्णार्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है? दूर हटाना, दूर हटाना। अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर, प्रयोग होने पर
इप्सित 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 का मतलब क्या होता है? जहां से धूल हटाया जाता है, इप्सित पदार्थ की। इप्सित अर्थात जहां से धूल हटाया जाता है, जाता है उस पदार्थ की, इप्सित पदार्थ की अपादान अपादान संज्ञा होती है, संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो वारणार्थानाम इप्सित है जो नियम है वो कहता है कि वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर, वारणार्थानाम वारण अर्थ वाली धातुओं का अर्थ क्या होता है? दूर हटाना। क्या होता है? दूर हटाना। तो वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर इप्सित पदार्थ की, इप्सित पदार्थ का मतलब क्या होता है? जहां से दूर हटाया जा रहा है, जहां से दूर हटाया जा रहा है वह इप्सित पदार्थ है, उस पदार्थ की अपादान संख्या होती है और जब उसकी अपादान संख्या हो जाएगी तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग अपादाने पंचमी नियम से किया जाता है। समझ में आया? अब देखिए जैसे उदाहरण देखिए, वह पुत्र को पाप से हटाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर एक, वह पुत्र को पाप से हटाता है या दूर हटाता है, पाप से हटाता है। अर्थात वह कर्ता जो है वो पुत्र को क्या कर रहा है? पाप से हटा रहा है, वह पुत्र को पाप से हटाता है। अब देखिए, अब वह क्या कर रहा है? दूर हटा रहा है। क्या कर रहा है? दूर हटा रहा है। किसको? पुत्र को। तो दूर हटा रहा है, तो दूर हटाने वाले धातु का प्रयोग अर्थात वारण अर्थ वाली धातु का क्या हुआ है? इस वाक्य में प्रयोग हुआ है। वारण का मतलब दूर हटाना, वारण का मतलब क्या होता है? दूर हटाना। अब इसके रूप चलाएंगे तो निवारयति, निवारयति, निवारयति अर्थात निवारयति मतलब निवारण करना या दूर हटाना या समाधान करना। समझ में आया? तो वह पुत्र को पाप से हटाता है। तो पाप से किसको हटा रहा है? पुत्र को। किसको हटा रहा है? पुत्र को। तो वो पुत्र को हटाता है तो किससे हटाता है? पाप से। तो इप्सित पदार्थ जो होता है अर्थात वारण अर्थ वाले धातु का प्रयोग होने पर जहां से हटाया, दूर हटाया जाता है उसकी अपादान संख्या होती है। तो इस वाक्य में पाप से पुत्र को दूर हटाया जा रहा है तो पाप की अपादान संख्या हो जाएगी और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी संस्कृत बनाएंगे तो देखिए सह की वह की क्या कहता है? सह पुत्रम, सह पुत्रम पापात निवारयति, सह पुत्रम पापात निवारयति, वह को पाप से क्या करता है? दूर हटाता है। निवारयति जो धातु है वारण अर्थ वाली धातु है, दूर हटाते अर्थ वाली धातु है और यहाँ इसको पुत्र को पाप से दूर हटाया जा रहा है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो वह पुत्र को पाप से दूर हटाता है, सह पुत्रम पापात निवारयति। अब देखिए, शिष्य आश्रम से कुत्ते को हटाता है, शिष्य आश्रम से, दूसरा उदाहरण, शिष्य आश्रम से कुत्ते को हटाता है, दूर हटाता है। अब देखिए यहां पर जो शिष्य है वो आश्रम से क्या करता है? कुत्ता आ गया उस आश्रम में तो उस कुत्ते को क्या कर रहा है? भगा रहा है या दूर हटा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य में हमको अपादान संज्ञा किसकी करनी है? तो वारण अर्थ वाले धातु का तो प्रयोग हुआ ही है क्योंकि दूर हटाना एक क्रिया है। ठीक है ना, दूर हटाने के लिए वारण धातु का प्रयोग किया गया है। अब देखिए कुत्ते को दूर हटाया जा रहा है, कहां से किया है? हटाया जा रहा है आश्रम से। आश्रम की क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी। इसमें कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा? होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा इसका? शिष्य है, शिष्य है आश्रम की पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेगा, क्या बनेगा? आश्रमात, आश्रमात सूनम, कुत्ते को क्या बोलते हैं?
कौन सी संज्ञा दी हमें, वादान उसमें कौन सी होती का प्रयोग हुआ, पंचमी गुण। वार्यति या निवार्यति कुछ भी लिख सकते हैं इसको, निवार्यति का तो भी क्या है सही है। तो शिष्य आसमान सुनम वार्यति, शिष्य आश्रम से कुत्ते को दूर हटाता है या उसको भगाता है। आश्रम से कुत्ता भगाया जा रहा है तो आश्रम की अपादन संज्ञा हो जाएगी, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। समझ में आया। अब एक उदाहरण और देख लीजिए, गुरु अग्नि से शिष्य को रोकता है, गुरु अग्नि से शिष्य को रोकता है। तीसरा उदाहरण, गुरु अग्नि से शिष्य को रोकता है, शिष्य को रोकता है, रोकता है। अब देखिए, गुरु अग्नि से शिष्य को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो अब वो शिष्य को रोक रहा है ना, दिमाग उसको रोक रहा है, दूर हटा रहा है। अग्नि जल रही है वहां पर शिष्य आ जाता है, तो गुरु उसको वहां क्या करता है, दूर हटने के लिए कहता है या उसके आगे जाने के लिए नहीं कहता है। ठीक है, तो वो गुरु है जो शिष्य को रोक रहा है, दूर हटा रहा है, किस से, अग्नि से। तो अग्नि की कौन सी संज्ञा होगी, अपादान, उसमें विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी। तो क्या बनेगा, गुरु अग्नि में पंचमी विभक्ति को क्या बनेगा, अग्नि शिष्य वार्यति, वार्यति गुरु अग्नि शिष्य निवार्यति, या फिर वार्यति गुरु अग्नि से शिष्य को क्या करता है, दूर हटाता है। तो गुरु अग्नि शिष्य वार्यति या निवार्यति, दोनों ही बात क्या है, सही है। समझ में आया। तो ये हमारा नियम नंबर 7 हुआ, वारणार्थानां इप्सिते, अर्थात वारणार्थ वाली धातुओं के साथ जिसके द्वारा अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर इप्सित अर्थात जहाँ से दूर हटाया जाता है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादान संज्ञा हो जाने के बाद उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला नियम है हमारा नियम नंबर 8, अंतर्ध्वौ येन अदर्शनम् इच्छति। नियम नंबर 8 अब भी एडिंग आ रही है, अंतर्ध्वौ ये अदर्शनम् इच्छति। अंतर्ध्वौ का मतलब होता है अंतर्ध्यान होना या फिर छिपना। क्या होता है अंतर्ध्वौ का मतलब, अंतर्ध्यान होना या फिर छिपना, दुबकना। अंतर्ध्वौ येन अदर्शनम् इच्छति या